द्वापर युग में हुए महाभारत युद्ध के विषय में तो सभी जानते हैं। जब भी महाभारत युद्ध का नाम आता है तो उसके मुख्य पात्रों का नाम स्मरण होने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्वापर युग में कोई ऐसा भी था जो त्रेता युग से ही इस पृथ्वी पर वास कर रहा था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रभु श्री राम के भक्त बजरंग बली हनुमान जी की। माना जाता है कि संकट मोचन हनुमान जी अजर अमर है, यानी वो आज भी इस पृथ्वी पर ही विद्यमान है। द्वापर युग में महाभारत युद्ध के दौरान भगवान हनुमान पूरे युद्ध में अर्जुन के रथ की छत पर विराजमान थे। कहा जाता है कि हनुमान जी के वजन के कारण ही उस रथ को कोई हिला ना सका। लेकिन सोचने की बात तो यह है कि हनुमान जी आखिर अर्जुन के रथ पर क्यों विराजित हुए? इससे जुड़ा एक प्रसंग आनंद रामायण में मिलता है, जिसके अनुसार भगवान हनुमान अर्जुन का घमंड तोड़कर उसके रथ पर विराजित हुए थे। तो आइए जानते हैं इस रोचक तथ्य के विषय में। आनंद रामायण में वर्णित प्रसंग के अनुसार एक बार रामेश्वरम में अर्जुन की मुलाकात भगवान हनुमान से होती है। दोनों लोगों में लंका युद्ध को लेकर चर्चा होने लगती है। अर्जुन को उस समय स्वयं पर संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर होने का अभिमान था, इसलिए अभिमान में चूर होकर उन्होंने हनुमान जी से कहा कि आपके प्रभु श्री राम तो बड़े वीर योद्धा और धनुर्धर थे, तो उन्होंने लंका जाने के लिए बाणों से ही सेतु निर्माण क्यों नहीं कर दिया? इस पर हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि बाणों का पुल वानर सेना के भार को सहन नहीं कर पाता और वह टूट जाता। तब अर्जुन ने घमंड से कहा कि मैं तो बाणों से ही ऐसा पुल बना सकता था जो किसी के भी भार से नहीं टूटता। मैं आपको अभी ही सामने तालाब में बाणों का एक पुल बनाकर दिखाता हूँ जो आपका भार सहन कर लेगा। उस समय हनुमान जी अपने सामान्य रूप में ही थे। अभिमान से चूर अर्जुन ने अपने बाणों से तालाब पर एक सेतु बना दिया और हनुमान जी को चुनौती देकर कहा कि अगर यह सेतु आपके भार से टूट गया तो मैं अग्नि प्रवेश कर जाऊंगा और यदि नहीं टूटा तो आपको अग्नि प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने इसे सहर्ष ही स्वीकार कर लिया और कहा कि मेरे दो चरण ही इस सेतु ने झेल लिए तो मैं पराजय स्वीकार कर लूंगा और अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। यह कहकर उन्होंने विशाल रूप धारण किया और जैसे ही पहला पग उस सेतु पर रखा, वह सेतु डगमगाने लगा। दूसरा पैर रखते हुए सेतु चरमराने लगा और तीसरा पग रखते ही वह तालाब खून से लाल हो गया। यह देखकर हनुमान जी सेतु से नीचे आ गए और अर्जुन को अग्नि प्रज्वलित करने को कहा। अग्नि प्रज्वलित होते ही जब हनुमान जी उसमें प्रवेश करने लगे, तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बजरंग बली को ऐसा करने से रोका और कहा कि हे भक्त श्रेष्ठ, आपके पहले ही पग के रखते यह सेतु टूट गया होता। अगर मैं कछुआ बनकर अपनी पीठ पर आपका भार सहन नहीं करता, आपके तीसरा पग रखते ही मेरी पीठ से खून निकलने लगा। यह सुनकर हनुमान जी दुखी हो गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि वे अपराधी हैं, उनके कारण उनके प्रभु को दुख पहुंचा है। तब श्री कृष्ण बोले कि यह सब उनकी इच्छा से ही हुआ है। अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए ही उन्होंने यह लीला रची थी। यह सुनकर अर्जुन का सिर शर्म से नीचा हो गया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी से माफी मांगी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा कि आप महाभारत युद्ध में अर्जुन की रथ पर लगी ध्वजा पर विराजमान रहे, इसलिए जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन की रथ पर हनुमान जी शिखर पर लगे ध्वज पर विराजमान हो गए, जिससे अर्जुन अपनी और आने वाली हर मुश्किल से बचा रहा।